मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो साहिबाबाद कल पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि साहिबाबाद से एक ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि काफ़ी चर्चों में हैं। आपको बता दें कि साहिबाबाद से एक ऐसे हिंदू पंडित को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने टिकट दिया है, जिससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की घबराहट तेज हो गई है। इसी को लेकर आपको बता दें कि पंडित जी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद यहां पर चलकर साहिबाबाद पहुंचेंगे और घर घर जाकर पंडित जी के लिए वोट मांगेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पंडित जी को वोट देने की लोगों से अपील भी की है और अब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद उनके घर पहुंचकर और उनके साथ चल चल कर जो है गली मोहल्लों में घर घर जाकर पंडित जी के लिए वोट मांगेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर निकल कर यही सामने आ रही है कि कल साहिबाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं और पंडित जी यानी पंडित जी घामा जी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है घर घर जाकर वोट मांगेंगे, लोगों से वोटों की अपील करेंगे और पंडित जी को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब से पंडित जी को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं साहिबाबाद विधानसभा सीट एक ऐसी हॉट सीट बन गई है जो कि काफी चर्चों में मानी जा रही है। और वहां पर साहिबाबाद में अगर माने तो अखिलेश यादव और इसी तरीके से बीएसपी, तो सभी लोगों ने वहां पर अपने उम्मीदवार और अपना प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही पंडित जी को टिकट दिया तो कहीं ना कहीं चेमागोई शुरू हो गई, लोगों में खलबली मच गई कि आखिरकार एक हिंदू को ओवैसी साहब ने कैसे टिकट दे दिया। क्योंकि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो पार्टी पिछड़े लोगों की पार्टी है। दलित, मुस्लिम और आदिवासी और जितने भी पिछड़े जाति से जितने भी लोग आते हैं उन सब की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो घामा जी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल साहिबाबाद तशरीफ ला रहे हैं और घर जाकर जो है वोट मांगेंगे पंडित जी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा 10 तारीख को ही क्या पंडित जी जो है वहां की सीट अपने कब्जे में कर सकते हैं या फिर पिछड़ सकते हैं। क्योंकि अभी माना जाए तो वहां पर 1 से 1.5 लाख या 2 लाख पश्चिमी उत्तर पर 1 से 1.5 लाख के करीब वोटर्स जो है बिहार के लोग वहां पर बसे हुए हैं और वहां पर जो है पंडित जी भी जो है वो बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पंडित जी को भारी समर्थन जो है वहां पर मिल रहा है और 80% चांसेस जो बताए जा रहे हैं वो पंडित जी के पक्ष में बताए जा रहे हैं कि पंडित जी जो है वहां पर काफी वोटर से जीतेंगे और जीत हासिल करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि पंडित जी को सभी वर्ग के लोग चाह रहे हैं और मुस्लिम और हिंदू सभी लोग जो है उनको वोट करेंगे क्योंकि वो पंडित जाति से आते हैं और वाकई वो पंडित हैं। तो लोगों में इसको लेकर काफी खलबली मची हुई है कि आखिरकार पंडित जी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर जाकर लोगों से वोटों की अपील करेंगे। तो ऐसा क्या होगा 10 मार्च को मालूम चलेगा क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो पंडित जी को टिकट दिया था वो कामयाब हुआ या फेल। नाज़रीन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।